दोस्तों जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे मेरे सामने एक पॉपअप आ जाता है जो ये बोलता है कि आपने बैंक अकाउंट को एंटर नहीं किया है, आपको बैंक अकाउंट को एंटर करना होगा, इसलिए आपको फाइलिंग करनी होगी। अमेंडमेंट, नॉन कोर अमेंडमेंट हम फाइल करेंगे एप्लीकेशन जिसके अंदर हम अपने बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जीएसटी के अंदर प्रोविजन है, अगर आपने बैंक अकाउंट को ऐड नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में, नोटिफिकेशन नंबर 39/2019 का, जो कि 28 जून 2019 को आया है। उससे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं आपके पास जीएसटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में और लोगों को भी जोड़िए दोस्तों। सो दोस्तों देख सकते हैं, यह है सीजीएसटी रूल का 4th अमेंडमेंट 2019 का, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट बोल दिया है कि रूल 10 के बाद एक नया रूल इंसर्ट किया जा रहा है, रूल 10A, जो ये बोलता है फर्निश ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। इट मींस जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तब आपको बैंक अकाउंट की डिटेल को फर्निश करना होता है। आफ्टर अ सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 हैज बीन मेड अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल, अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हैज बीन असाइंड द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट दोज हु हैव बीन ग्रांट रजिस्ट्रेशन अंडर 12 और एज द केस में बी रूल 16। सो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है, जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 के अंदर, ठीक है दोस्तों, उन पर्सनों को छोड़ के जिनका रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है अंडर रूल 12 जो है वो TDS एंड TCS से रिलेटेड है, और रूल 16 जो शू मोटो रजिस्ट्रेशन के बारे में बोलता है, इन पर्सनों को छोड़ के उन सभी नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को जिनका रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया है और जिनको फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 मिल गया है, उनको यहाँ पे बैंक अकाउंट फर्निश करनी होती है जल्द से जल्द, लेकिन 45 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो 3B की जो ड्यू डेट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब उनमें से जो भी पहले, अगर 45 डेज कंप्लीट हो गए हो या 3B की ड्यू डेट आ गई है वो हो गई हो, तो उसमें से जो भी पहले होगा उसके अंदर आपको फर्निश करनी होगी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट की डिटेल या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन है जब आप रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आपने नहीं दी है, वो इन्फॉर्मेशन आपको कॉमन पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे फर्निश करनी होगी, ठीक है। ध्यान रखना 45 डेज या जीएसटी या 3B की ड्यू डेट है, इनमें से जो भी पहले है उससे पहले आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल को फर्निश करना होगा। अभी ये प्रोविजन लागू नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी रूल है नोटिफिकेशन के थ्रू लागू होता है, तो गवर्नमेंट ने अभी पोर्टल पे लागू नहीं किया है। अभी बैंक अकाउंट को जो ऐड करने वाला हूँ उसके अंदर 45 डेज से बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 2 या 3 महीने हो गए, ऊपर 2 से 3 महीने हो गया, इसलिए मेरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये रूल लागू नहीं हुआ है अभी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट में बोलता है, इन द सैड रूल इन रूल 21 आफ्टर क्लोज सी, मैं बात करूँ रूल 21 ये बोलता है कि रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के बारे में बात करता है। तो ये बोलता है कि क्लोज सी के बाद एक नया क्लोज इंसर्ट किया जा रहा है, क्लोज डी वॉयलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 10A। तो रूल 10A ये रहा, अगर इसके प्रोविजन का वॉयलेशन होता है तो रूल 21 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम फाइल कर लेते हैं अमेंडमेंट, किस तरह से बैंक अकाउंट की डिटेल को ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसे ये पॉपअप आएगा आप फाइल अमेंडमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करके बैंक वाली डिटेल पे आएंगे, जहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन पूछता है, ये हो गया डिटेल ऑफ इंचार्ज, और उसके बाद ये गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल, फिर देन आपके पास ये आ गया बैंक अकाउंट नंबर, एक ले लिया, एक बैंक अकाउंट को ऐड कर रहा हूँ, न्यू पे जाएंगे, यहाँ से आपको बैंक अकाउंट नंबर लिखना होगा। सो दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर ले लिया, अब यहाँ से लेना होगा टाइप ऑफ अकाउंट, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेविंग अकाउंट है ये, उसके बाद IFSC कोड लेना होगा, IFSC कोड ले लिया, गेट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस ऑटोमेटिक उठा लेगा, उसके बाद यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा, जैसे मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ कैंसिल चेक लगाने वाला हूँ, ये ले लिया मैंने, अब कैंसिल चेक को अपलोड कर देंगे हम। सो दोस्तों ये हो गया कैंसिल चेक अपलोड, अब सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे, बैंक अकाउंट की डिटेल ये हमारी आ गई, कंटिन्यू पे आ जाएंगे और बाकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करते हुए यहाँ से हम इसे वेरीफाई करके टैक्सपेयर का नाम सेलेक्ट कर लिया, प्लेस ले लिया, एंड उसके बाद हम इसे सबमिट कर देंगे, सबमिट विद EVC। हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अमेंडमेंट करना है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आपको 45 डेज के अंदर या फिर जो GST या 3B की ड्यू डेट है उसमें से जो भी पहले हो उसके हिसाब से आपको अमेंडमेंट फाइल करनी होगी बैंक अकाउंट की डिटेल को
ऐड करना होगा, बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा। हालांकि अभी ये रूल लागू नहीं हुआ है, अगर ये रूल लागू होता है तो नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट लागू करेगी, इसकी डेट को डिसाइड करेगी। अभी डेट डिसाइडेड नहीं है, इसलिए करीब मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले चुका हूँ 3 महीने पहले, 3 महीने के बाद मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल को फर्निश कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मेरा कैंसिल नहीं होगा। सो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।